हे गाइस हाय, वेलकम बैक इन यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। फ्रेंड्स, ऐसा मेरे को लगता था कि मैं केवल किया का फैन हूँ अभी, अब मुझे लगता है कि सारी दुनिया धीरे धीरे किया की फैन बनती जा रही है। आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ मैं वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर के बारे में, जो कि है आपकी किया टेलुराइड। आपको बताऊंगा इंटीरियर, एक्सटीरियर, फीचर्स, प्राइस, सब कुछ मैं इस गाड़ी के बारे में। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या इसकी इंडिया में आने की उम्मीद है कि नहीं। इससे पहले आपको मैं बताना स्टार्ट करूं वो सारे व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, यहाँ से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया, आप डेली बेसिस पे ऐसे ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोमोटिव अपडेट्स मिस करते आते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, यह है आपका ऑफिशियल वीडियो किया टेलुराइड का। इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था आपके अमेरिकन कस्टमर्स के लिए। अमेरिकन मार्केट में ये गाड़ी ऑलरेडी धूम मचा रही है। गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात करूं, 3.8 लीटर का मैसिव इसमें पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, जो कि जनरेट करता है 210 का आपका हॉर्स पावर। इसके अलावा गाड़ी में लुक एंड अपीयरेंस वाइज काफी कुछ ऐसा है जो कि आपको देखते ही अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो इसकी डेड-एंड रनिंग लाइट्स हो, वो व्हाइट की जगह पे येलो कलर की हैं। इसके अलावा इसमें मिलेंगे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। इसके अलावा गाड़ी का जो लुक एंड अपीयरेंस है, मैसिव एसयूवी लगती है गाड़ी, जबकि इसको ये किया वाले बोलते हैं कि ये आपका मिड साइज एसयूवी है। 8 सीटर इसमें अरेंजमेंट मिलता है, ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, ड्यूअल पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, हर एक सीट के ऊपर आपको मिलता है चार्जिंग का ऑप्शन। पहले आपको बताता हूं मैं कि आपका ये वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर अवार्ड क्या होता है। बेसिकली ये काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है आपका वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर। इसको चुनने के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है इंटरनेशनली एक सिंगल जगह पे। वो सब मिलकर के चूज करते हैं, नॉमिनेट करते हैं वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर को। तो इसमें 24 कंट्रीज के 86 मेंबर्स ने पार्ट लिया। उन लोगों ने किया टेलुराइड को चूज किया वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर के नाम पे। क्यों चूज किया? वो इसलिए चूज किया क्योंकि गाड़ी का जो प्राइस है एंड कंपेयर में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं, लुक एंड अपीयरेंस जो आपको मिल रहा है, गाड़ी की जो ड्यूरेबिलिटी है, वो सारी कुछ इनको एज पर स्टैंडर्ड मिली, उससे इनफैक्ट बेटर मिली, क्योंकि इसी कॉम्पिटिशन में जो गाड़ियां थी वो इसके सामने कुछ भी टिक नहीं पाई इन टर्म्स ऑफ फीचर, प्राइसिंग, एवरीथिंग। अब मैं बात करूं गाड़ी में और क्या है। गाड़ी में फोर व्हील ड्राइव आपको बताया मैंने, 3.8 लीटर का पेट्रोल इंजन बताया कि पेट्रोल में ही आती है बाय द वे। इसके अलावा आपका जो रियर सीट्स है उसमें भी आपको मिलता है एसी का ऑप्शन, यानी कि वेंटिलेटेड सीट्स हैं आपकी रियर साइड्स की भी। इसके अलावा आपकी रियर सीट्स भी आप रिक्लाइन कर सकते हो, आपकी फ्रंट सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं, रिक्लाइन प्लस वेंटिलेटेड हो गई। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले स्टैंडर्ड है आपका, बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रियर साइड में इसकी एलईडी लाइट्स हैं जो कि हॉकी स्टिक के शेप की आपको लगेंगी, जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में वीडियोस में भी देख पा रहे हो। मैं बात करूं भारत में आने की, तो भारत में आने की उम्मीद गाड़ी की है, बट मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट ईयर 2021 के लास्ट से पहले किया प्लानिंग कर भी सकता है इस गाड़ी को भारत में लाने की, क्योंकि इसको मैसिव सक्सेस मिली है इंडियन मार्केट में। किया नया है तो डेफिनेटली वो लाएगा तो पक्का, क्योंकि कार्निवाल ला चुके, कार्निवाल महंगी गाड़ी है काफी, तो वो लाएंगे इस गाड़ी को पक्का। बट नेक्स्ट ईयर के आखिरी तक मान के चल सकते हो कि गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी के अंदर काफी कुछ नया है, लाइक अभी तक मैंने जो देखा था प्रीमियम कार्स के अंदर ही देखा कि आपके सीट्स के ऊपर आपको साइड में चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको हर एक सीट में चार्जिंग यूएसबी का ऑप्शन मिल जा रहा है। फोर व्हील ड्राइव की गाड़ी है, लुक एंड अपीयरेंस वाइज अपने आप में क्लासिक गाड़ी है। केवल एक किया की बैजिंग है, जो काफी सारे अमेरिकन कस्टमर्स बोलते हैं कि यार किया की बैजिंग ना होती तो गाड़ी बिल्कुल बीएमडब्ल्यू ऑडी लगती है, वरना गाड़ी आपकी लुक एंड अपीयरेंस वाइज काफी अच्छी है। डेटा रनिंग लाइट आपको स्टैंडर्ड मिल जा रही है। इसके अलावा गाड़ी में जो आपका है स्पेस का काफी ध्यान दिया गया है। ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, पुश बटन स्टार्ट है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिले हुए हैं आपको स्टैंडर्ड में, 4 एयरबैग्स मिल जा रहे हैं एंड अप टू वो 8 से लेकर के 12 एयरबैग तक जा रहे हैं। गाड़ी का जो प्राइस रेंज है, अगर मैं डॉलर्स में बात करूं, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी आई नहीं है, $31,000 से स्टार्ट है गाड़ी आपकी, $40,000 तक ये गाड़ी आपकी जाती है। कॉर्नर रिंग हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपके ऑलरेडी हैं गाड़ी के अंदर। बाकी गाड़ी में आपको मिल जाएगा स्मार्ट बूट का ऑप्शन, यानी कि आप पिछली जगह एक बार बटन पुश करोगे, ऑटोमेटिक आपका जो बूट डोर है वो ओपन हो जाएगा। बाकी गाड़ी में स्पेशली प्राइस वाइज जो इसमें कंफर्ट का ध्यान दिया गया है, काफी रखा गया है। इसके अलावा इसमें आपका वॉइस कमांड से नेविगेशन चलता है। 10.25 इंच की इसमें आपको मिल जाएगी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसी फुल स्क्रीन मोड में आप अपना नेविगेशन भी प्ले कर सकते हो। वॉइस कमांड का इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। काफी कुछ ऐसा है जो कि इस गाड़ी को प्राइस के हिसाब से बेहतरीन बनाता है। आपको मैंने बता दिया वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर क्या होता है, क्यों इस गाड़ी को चूज किया गया। पर्सनली लुक एंड अपीयरेंस वाइज ये गाड़ी मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई, और मुझे ऐसा लगता है कि यह सेल्टोस को चूज करके मैंने सही किया। वो इसलिए नहीं कि बाकी गाड़ियां इनकी अच्छी कर रही हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं गाड़ी की परफॉर्मेंस से खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका बजट अच्छा है एंड आप चाहो तो इस गाड़ी का वेट कर सकते हो, या फिर अगर आपका बाहर आउट ऑफ इंडिया प्लानिंग है जाने का, आप पक्का इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करिएगा, मेरे को बताइएगा ये गाड़ी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।